सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वी आर गोइंग टू प्ले गैंगस्टर वेगस। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं उस अनोखी चीज़ का जो अभी भी अपडेट में आई है, और वो है थॉर का हथौड़ा। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं जैसे कि ये, और आज हम इसका करेंगे पूरा रिव्यू। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पहले आप इसका देख लीजिए व्यू, ये बिल्कुल एक टेक्निकल हथौड़ा लग रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया है जो कि। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा गैंगस्टर वेगस सबसे फास्ट कार, सबसे फास्टेस्ट कार इन गैंगस्टर वेगस। और आज हम इससे चलेंगे तबाही मचाने अपने थॉर वाले हैमर के साथ। गाइस हमारे साथ बने रहे हैं, आज जो मज़ा आने वाला है आपको कहीं और नहीं मिलेगा यार। और आज हमारे साथ हमारा मित्र तो है नहीं, तो आज हम अकेले मज़ा लेंगे पूरे सिटी का चल के। और वैसे मैं पहले डेविल की कार लाने वाला था, बट डेविल की कार मैं लाऊँगा अगले बार। इस बार ही इस फास्टेस्ट कार में चलते हैं धूम मचाने पूरी दुनिया की लेने। और अब देख लीजिए पहले इस कार को एंड द ऑल न्यू थॉर का हथौड़ा। और आप इसकी स्पीड देखिए गाइस, सिर्फ स्पीड, इट्स जीएल सीरीज लेवल वन, ये सिर्फ लेवल वन की स्पीड है। ये फास्टेस्ट कार है पूरे गैंगस्टर वेगस में। और इसके साथ आप देख सकते हैं हम कितने तेज़ी के साथ बाहर आ गए, और इसकी वॉइस पॉइंट ब्लोइंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने शिकार कहाँ कहाँ पे हैं, किसकी किसकी हमें लेनी है अभी तुरंत। सबसे पहले शुरू करते हैं किसकी आज शामत आने वाली है थॉर का हथौड़ा। सबसे पहले किसके ऊपर इस्तेमाल होगा, नंबर वन पे आते हैं, कौन आएगा जी मोहतरमा। हाँ तो इनसे हमारा थोड़ा पुराना संबंध थे, और इन्होंने हमें धोखा दिया था, तो उसकी सज़ा चलो देखा गाइस, शॉट, एक शॉट और पता ही नहीं चला कि वो उनका कहाँ चले गए। वो कोई उससे वही नहीं गाइस, ओनली वन शॉट एंड एवरीथिंग इज फिनिश। अब चलते हैं दूसरे के पास, उनसे भी कुछ पुराने रिश्ते थे और उसकी कुछ किस्तें चुकानी बाकी हैं, तो चलते हैं सीधा। और ये देखिए, यही वो कार है जिसका रिव्यू आपको मिलेगा हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द, इसका भी रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले इसका रिव्यू करते हैं और चलते हैं देखते हैं और कौन है जिसकी यार लेनी है हमें, और इनकी भी लेनी है, इनसे भी कुछ पुराने रिश्ते थे और कुछ एक बार दो बारी। और ये देखिए गाइस, मतलब यार इतना पावरफुल हैमर है ये कि आई कैंट एक्सप्लेन यू गाइस, लिटरली आई कैंट एक्सप्लेन यू इसकी पावर्स, माइंड ब्लोइंग। और इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं फिर, हेलो हाय, और इन्होंने हमें कुछ अपशब्द बोल दिए हैं ये, तो गाइस टैम यू कैंट सी द पावर यार। और इनसे भी बातचीत करते हैं, ये देखिएगा आप, ओनली वन शॉट एंड वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ की ज़मीन मजबूत है, वरना ये लोग नीचे भी जा सकते थे गाइस, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको भी देते हैं ज़रा खाने पीने का, और फिर अब तक तो पुलिस भी हमारे पीछे लग चुकी है, और आप देख ही चुके हैं कि कितना ख़तरनाक हुआ ये हैमर। और ये देखिए गाइस, लिटरली इट्स अ मैजिकल वेपन जिसकी कोई वो नहीं है, मज़ा आ जाती है इसे यूज़ करने में। और गाइस आप इसे परचेस कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड। और चलते हैं इसे देखते हैं मिशन में यूज़ करके कि क्या हम 4 स्टार पा सकते हैं इससे, क्योंकि जो मेरे पास था उससे तो मैं 4 स्टार इजीली ग्रैब कर लेता था, बट इससे देखते हैं और चलते हैं सीधे। ठीक है, ऑल राइट, एंड आई थिंक इसकी पावर्स थोड़ी कम है, हाँ बिकॉज कम ही है, क्योंकि ये 3 बिलो 4 है, एंड वो 800 कुछ कर गया था, सो बट इट्स गुड। एंड टू सी स्पार्क, इसका स्पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बीच बीच में आता है, एंड आप देख ही रहे हो कि यार काफ़ी बढ़िया है। फिर भी जिनके पास वो नहीं है उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया है। और इसे अभी मैं हम अपग्रेड करेंगे, अभी तो ये लेवल 2 है, अच्छा लेवल 3 में जब अपग्रेडेशन करेंगे तो इसकी पावर्स और इंक्रीज हो जाएंगे, और देखेंगे भाई यू कैन सी द स्पार्क यार, अमेजिंग, बढ़िया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड लिटरली आई लाइक हिम सो मच। और वेव 3 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप हम 4 स्टार नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हम काफ़ी बढ़िया करेंगे, क्योंकि मज़ा तो आ रहा है यार खेलने में इससे, और देखने में भी क्या ख़तरनाक सा लगता है ना, एकदम जैसे लगता हो कि पता नहीं क्या यार। और वेव 4 भी इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया, अब सीधा वेव 5 और वन शॉट, यहाँ पर तो एक शॉट के आगे कोई जा ही नहीं पाता यार, एक शॉट में सबका गेम बजा देते हैं हम लोग, बट डोंट वरी,
चलते हैं सीधा इनको देते हैं और ख़त्म करते हैं इसी के साथ वेब और मिशन। सो गाइस, इसका रिव्यू बस यहीं तक था, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।